एमपी बोर्ड आठवीं बोर्ड परीक्षा 2024 7 मार्च 2024 को जो आपके पेपर होने वाला है 7 मार्च 2024 को, उसके लिए ये वीडियो काफ़ी इंपॉर्टेंट है। वीडियो को शुरू से अंत तक देखना, आपके मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो आपके गणित के, वो इस वीडियो में हम चर्चा करने वाले हैं। तो आइए वीडियो को शुरू करते हैं और आपके जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वो इस वीडियो में देख लेते हैं। पहला प्रश्न आपके सामने है, ये गणित का पेपर है, आपके 7 तारीख का जो पेपर होगा उसके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है, वीडियो को शुरू से अंत तक ज़रूर देखना। तो पहला प्रश्न आपकी ये है कि किसी चतुर्भुज की अंतःकोणों का योग कितना होता है। तो किसी भी चतुर्भुज के सभी अंतःकोणों का जो योग होता है वो कितना होता है, 360 डिग्री होता है। तो इसका उत्तर कितना करेंगे हम, 360 डिग्री करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वर्ग अंतराल 250 से 275 की चौड़ाई कितनी है। तो इसमें क्या करना है, जब भी ऐसा वर्ग अंतराल पूछे तो आपको चौड़ाई पूछे या माप पूछे तो इसमें बड़ी संख्या में से छोटी संख्या को घटाना है। तो 275 में से हम 250 को घटा लेंगे, बचेगा कितना, ये 25 बचेगा, यही अपना क्या है, वर्ग अंतराल है। तो इसका उत्तर हो जाएगा ए ऑप्शन 25, ठीक है, करेक्ट आंसर इसका ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि संख्या 4 का वर्गमूल क्या है। अब 4 का वर्गमूल ज्ञात करना है, मतलब 4 किसके वर्ग हैं। तो 2 को 2 से गुणा करते तो कितना आता है, 4 आता है। तो 4 किसका वर्ग हो जाएगा, 2 का वर्ग हो जाएगा। तो इसका उत्तर लिखेंगे 4 का वर्गमूल 2 हो जाएगा। 4 का वर्ग कितना होता है, तो 4 का वर्ग हो जाएगा 4 × 4 = 16 हो जाएगा। जब वर्ग पूछेंगे 4 के तो हम 16 करेंगे, 4 का वर्गमूल पूछेंगे तो अंडर रूट 4 का मान जो होता है वो आपके 2 होता है। अंकित मूल्य पर दी गई छूट क्या कहलाती है, तो उसको कहा जाता है बट्टा। क्या कहते हैं उसको, बट्टा कहते हैं। गनाप में शीर्षों की संख्या कितनी होती है, तो गनाप के कितने शीर्ष होते हैं। देखो गनाब होता क्या, पहले आपको ये पता होना चाहिए, गनाब एक 6 आयताकार फलक से ही आकृति बनी होती है। इस प्रकार से इसमें 6 आयताकार फलक होते हैं और इनको हम मिला करके एक आकृति बनाते हैं ये वाली, तो इसको हम क्या कहते हैं, गनाब कहते हैं। इसमें कितने शीर्ष हैं, देखो इसमें 6 तो होते हैं फलक या पृष्ठ कहते हैं इनको, 6 फलक होते हैं, 6 पृष्ठ होते हैं और 8 होते हैं इसमें शीर्ष कोने होते हैं आर्स, और 12 होते हैं इसमें किनारे, 12 होते हैं इसमें किनारे और 4 होते हैं इसमें विकर्ण। तो इसमें आपके फलक कितने, 6 पूछा है, क्या है शीर्ष, वर्टेक्स कितने होते हैं, तो 8 होते हैं। इसका उत्तर लिखेंगे हम इसमें 8। ये 4 क्या होते हैं, 4 इसके विकर्ण हैं, 12 इसके किनारे हैं और 6 इसके फलक हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं, रिक्त स्थानों की पूर्ति करनी है। रिक्त स्थानों की पूर्ति करनी, इसमें आपसे पूछा गया है कि रिक्त स्थानों की पूर्ति करें तो किसी ठोस द्वारा गिरी हुई जगह की मात्रा क्या कहलाती है, इसका क्षेत्रफल कहलाती है। क्या कहलाते हैं, इसका क्षेत्रफल कहलाती हैं। और मूल बिंदु के निर्देशांक क्या होते हैं, तो मूल बिंदु के निर्देशांक होते हैं 0, 0, ये मूल बिंदु के निर्देशांक होते हैं। बिंदु की वाई निर्देशांक क्या है, तो इसमें जो 5 है वो वाई निर्देशांक है, तो वाई निर्देशांक क्या हो जाएगा, 5। और इसमें एक्स निर्देशांक कितना है, तो ये एक्स निर्देशांक हो जाएगा 0 हो जाएगा। और वाई बराबर कितना है, इसमें 5 है। इसमें ये जो 0 है इसको कहा जाता है भुज और ये जो 5 है इसको कहा जाता है कोटि, भुज और कोटि इनको कहा जाता है। संख्या का व्यापक रूप क्या होता है, तो इसको हम व्यापक रूप में लिख सकते हैं 10 × 5 + 4, ये इसका व्यापक रूप हो जाएगा। 64 का वर्ग कितना हो जाएगा, 64 का वर्ग करने का मतलब कि 64 को 64 से गुणा करके आपको उत्तर लिखना है। तो 4 × 16 हासिल का 1 = 24 और 1 = 25, 256 × 6 = 24 हासिल के 2 × 6 = 36 37 38, जोड़ करें तो 6 × 4 और 5 = 9 = 10 और ये कितने हो जाएंगे, 4096 हो जाएंगे। तो इसका जो आंसर आएगा वो कितना आएगा, 4096 आएगा। 4096 का वर्गमूल कितना होता है, तो फिर वो 64 होगा, और 64 का वर्ग कितना होता है, 4096 होता है। फिर आपके इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये क्वेश्चन नंबर 3, इसमें आपके एक एक नंबर के क्वेश्चन है ये। तो एक समबहुभुज की भुजाओं की संख्या ज्ञात करो अगर उसका प्रत्येक बाह्य कोण का माप 45 डिग्री। तो इसमें क्या करना है, जब भुजाओं की संख्या ज्ञात करनी हो तो बाह्य कोण का मान आपको जो दे रखा है इसका भाग दे देना है, उसके में किसमें, 360 में, 360 में हम भाग देंगे 45 का, तो उत्तर आ जाएगा आपके, देखो इसको काट लेंगे 9 के पार से काटेंगे, ये 40 बार कटेगा और ये 5 बार कटेगा, तो 40 में 5 का भाग कितनी बार जाएगा, तो 8 बार जाएगा। तो ये कितनी भुजा हो जाएगी, इसमें भुजाओं की संख्या हो जाएगी इसमें 8 हो जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके, 6400 का वर्गमूल ज्ञात करना है। तो 6400 का वर्गमूल ज्ञात करने के लिए आपको इसमें 6400 का इसमें अब्बाजी गुणनखंड करने पड़ेंगे, 2 का भाग देंगे वो 3200 हो जाएंगे, फिर 2 का भाग देंगे वो 1600 हो जाएगा, फिर 2 का भाग देंगे तो 800 हो जाएगा, 800 में 2 का भाग देंगे 400 हो जाएगा, 400 में 2 का भाग देंगे तो 200 हो जाएगा, और 200 में 2 का भाग देंगे तो वो 100 हो जाएगा, 100 में 2 का भाग देंगे वो 50 हो जाएगा, और 50 में 2 का भाग देंगे तो वो 25 हो जाएगा, फिर 25 में 5 का भाग देगा 5 बार, और 5 में 5 का भाग देगा 1 बार।
तो ये जो आए दो दो वह इनके जोड़े बनाएंगे, ठीक है। तो ये हो जाएगा आपके एक दो तीन चार बार, तो आए दो, तो इसमें आएंगे दो इंटू दो इंटू दो इंटू दो इंटू एक बार आएंगे पाँच, तो ये हो जाएंगे दो दूनी चार, चार दूनी आठ, आठ दूनी सोलह, और सोलह पंजे कितने होते हैं अस्सी होते हैं, तो इसका जो उत्तर है वो कितना आएगा आपके अस्सी आएगा। नेक्स्ट संख्या आपके हैं, नेक्स्ट सवाल ये है कि इस संख्या में क्या घटाने पर वो पूर्ण वर्ग संख्या प्राप्त हो जाएगा। तो देखो जब भी ऐसे घटाने का या जोड़ने का है तो आपको क्या करना है, इसको भाग विधि से वर्गमूल ज्ञात करना पड़ेगा। तो ये इसमें हम करते हैं, इसमें 5600 के भाग विधि से वर्गमूल ज्ञात करते हैं। तो सबसे पहले हम लिखेंगे इसमें 5607, दो दो के इसमें जोड़े बनाएंगे। अब ऐसी संख्या लेनी जिसको उसी से गुणा करने पर कितना आ जाए, जिसको उसी से गुणा करने पर आ जाए अपने 56 या उससे छोटी संख्या। तो सातों सात 49 और आठों आठ 64 ज़्यादा होते हैं, तो फिर इसमें लेंगे हम सात, एक साथ ऊपर आ जाएगा, सातों सात 49 इसके नीचे आएंगे और यहाँ पे सात और सात की जोड़ आ जाएगी, सात और सात 14, और यहाँ घटाएंगे 16 में से 9 जाएंगे तो यहाँ बचेंगे आपके सात, ठीक है, सात बच जाएंगे, और फिर ऊपर से उतरेगा आपके कितना 07 उतरेगा, तो ये हो जाएंगे 707। अब 14 के पास में क्या रखें कि उसको उसी से गुणा करने पर 707 है, उससे छोटी संख्या है, तो हम 5 रख के देख लेते हैं। तो 5 पंजे 25 के 5 हासिल के 2, 5 चौक 20 और 2 22 हासिल के 2, और ये 5 एकम 5 और 2 7 कितना हो जाएगा, ये हो जाएंगे आपके इसमें 725। लेकिन 725 तो इससे ज़्यादा हो रहे हैं, तो हम क्या करेंगे इसको 4 से गुणा कर लेंगे, 4 से गुणा करेंगे तो ये हो जाएगा 4 चौक 16 हासिल का 1, 16 और 1 17, 4 एकम 4 और 1 5, तो ये हो जाएंगे आपके 576। अब 576 इसमें से घटा लेंगे, ये 1 बचेगा, और 10 में से 7 गए तो ये 3 बचेंगे, और 6 में से 5 जाएगा तो 1 बचेगा। कुल मिला के ये जो वर्ग हैं ये किसके वर्ग हो जाएंगे, ये हो जाएंगे आपके 74 के, 74 का वर्ग जो भी है उसमें से आप 131 को हटा देंगे तो ये वाली जो संख्या आपकी ये बच जाएगी। तो कितना घटाना पड़ेगा, 131 इसमें से घटाने पड़ेंगे। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर आपके हैं चार, क्वेश्चन नंबर चार है आयलर सूत्र का प्रयोग करते हुए बहुभुज के फलकों की संख्या ज्ञात करनी है। तो आयलर सूत्र क्या होता है एक बार आप देख लेते हैं, वी प्लस एफ बराबर होता है ई प्लस टू, ये इसका आयलर सूत्र होता है। इसमें वी का मान वर्टेक्स होता है, और जो कि हमें दे रखा है 6, फलक हमें ज्ञात करना है, और किनारा देखिए 12 और 2 कितने हो जाएंगे 14, ये 6 उधर जाएंगे तो माइनस में चले जाएंगे, तो कितने बचेंगे 8 बचेंगे, तो फलक कितने हो जाएंगे इसमें हो जाएंगे वो 8। अगला प्रश्न देखते हैं, इसमें आपको एक ग्राफ बनाना है, इस तालिका का प्रयोग करते हुए हमें इसमें ग्राफ बनाना है। तो ग्राफ बनाने के लिए आपको एक आड़ी लाइन खींचनी पड़ेगी, एक खड़ी लाइन खींचनी पड़ेगी, और यहाँ पर लेंगे हम इसमें कितने कितने अंतर हैं, देखो 8 हैं, फिर 10 हैं, फिर 5 और फिर 12 हैं, तो इसमें हम दो दो का गैप ले लेते हैं, 2 4 6 8 10 12 14, इधर हम एक एक साल का गैप ले लेंगे, 2002 2003 फिर 2004 फिर 2005 और फिर 2006, ये हो जाएगा 2 4 6 8 10 12 और 14। तो 2003 में कितने 8 हैं, 2003 में हो जाएंगे इसमें 8, तो ये हो जाएगा इसका 8, 2004 में कितने 10, तो ये हो जाएंगे आपके इसमें 10, 2005 में 5 जो कि 6 और 4 के बीच में आएगा, और 2006 में कितने 12 हैं, तो ये हो जाएंगे 2006 में 12। इन सभी को मिलान कर लेंगे और ये अपना जो ग्राफ है वो बन जाएगा, ठीक है, इस प्रकार से ग्राफ आपको इसमें बना लेना है। नेक्स्ट आपके हैं एक, इनको कागज़ पे अंकित करना है, तो कागज़ पे अंकित करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, पहले आपको इनको एक बनाना पड़ेगा, इसका पाई चार्ट, इसका जो ग्राफ है वो बनाना पड़ेगा, आड़ी लाइन या खड़ी लाइन खींचेंगे, और यहाँ बीच में हो जाएगा इसका मूल बिंदु, ये एक्स अक्ष है, एक्स अक्ष है, और ये वाली वाई अक्ष है, तो यहाँ हो जाएगा आपका 1 2 3 4 5 6, एक एक दो एक एक का गैप रखते हुए इसको बना लेंगे, ये माइनस का 1 माइनस का 2 माइनस का 3 माइनस का 4 माइनस का 5 ऐसे ऊपर जाएगा, 1 फिर ये 2 फिर ये 3 फिर ये 4 और फिर ये 5 तक, और इधर भी हम लेंगे इसमें माइनस का 1 माइनस का 2 माइनस का 3 माइनस के 4 तक। पहला बिंदु लगाना है ए, जो एक एक पे लग रहा है, एक्स भी एक और वाई भी एक, ये हमारा इसमें आ जाएगा, ये ए है 1.1। बी बिंदु है 1.2, तो बी बिंदु जो 1.2 हो जाएगा, एक्स का मान 1 और वाई का मान 2 हो जाएगा, ये
एक कोमा दो, ये बी बिंदु हो जाएगा एक कोमा दो, सी बिंदु एक कोमा तीन, तो यहाँ हो जाएगा एक कोमा तीन, ये सी बिंदु है एक कोमा तीन, और डी बिंदु एक कोमा चार है, तो इसमें आ जाएगा ये। फिर आपके अगला सवाल है, ये क्वेश्चन नंबर है क्वेश्चन नंबर पाँच। क्वेश्चन नंबर पाँच में आपसे पूछा गया है कि एक फ्रॉक की सूची मूल्य आपके हैं, अंकित मूल्य कितना दे रखा है, वो 220 रुपये हैं, और 20% उसमें बट्टे की घोषणा की जाती है। इस फ्रॉक का आपको बट्टे की राशि और इसका विक्रय मूल्य बताना है। तो क्रय मूल्य ये तो हो जाएगी अंकित मूल्य, ये बट्टे की राशि है, तो आपको क्या करना है, 220 का आपको ज्ञात करना है 20%, ठीक है, 20% ज्ञात करना है। तो ये हो जाएगा 220 इंटू 20 और बट्टे में आएगा 100, एक जीरो से एक जीरो कट जाएगा, जीरो से जीरो कट जाएगा, तो बट्टे की राशि कितनी हो जाएगी, 22 इंटू 2 हो जाएगा, बराबर 44 रुपये इसकी बट्टे की राशि हो जाएगी। विक्रय मूल्य कितना हो जाएगा, तो विक्रय मूल्य हो जाएगा जो सूची राशि है उसमें से हम इसके बट्टे की राशि को घटा लेंगे, तो 220 में से हम घटा लेंगे 44 रुपये को, तो इसमें विक्रय मूल्य इसका आ जाएगा 10 में से 4 गए तो 6, और 11 में से 7 4 जाएगा तो 7, और यहाँ बचेगा 1, 176 रुपये इसमें बचेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर ये इसके अथवा में है, 12,600 का 2 वर्ष के लिए 10% वार्षिक ब्याज के वार्षिक दर से चक्रवर्ती ब्याज ज्ञात करना है, ठीक है, ये वाला हम इसमें कर लेते हैं। तो इसमें आपको क्या करना पड़ेगा, सूत्र लगाना पड़ेगा, ये इसका मूलधन है, ये पी है, ये टी है समय, और ये इसकी दर है। तो इसका सूत्र क्या होता है, सूत्र होता है इसका चक्रवर्ती ब्याज बराबर, ठीक है, चक्रवर्ती ब्याज सी आई बराबर इसका सूत्र होता है मूलधन इंटू एक प्लस दर, एक प्लस दर रेट और बट्टे में 100 और इसकी पावर टी या एन, और माइनस में आ जाएगा वापस प्रिंसिपल, ठीक है, पी आ जाएगा। तो मान लिख लेते हैं इसमें, ये हो जाएगा आपके पी, पी का मतलब प्रिंसिपल कितना है 12,600, और इंटू हो जाएगा आपका एक प्लस दर का मान 10 बटे में 100 और इसकी घात कितनी 2 माइनस 12,600। इसको सोल्व करेंगे तो ये हो जाएगा 12,600 इंटू ये 110 बटे कितना हो जाएगा, 110 बटे 100 हो जाएगा, 110 और बटे 100 और इसकी घात 2 माइनस 12,600। तो ये दो बार लिखेंगे इसको, तो इसको 110 बटे 100 इंटू 110 बटे 100 और माइनस करेंगे हम इसमें 12,600 रुपये। इसके एक जीरो से एक जीरो कट जाएगा, इसके एक जीरो से एक जीरो कट जाएगा, इसके दोनों जीरो से इसके दोनों जीरो कट जाएंगे, बचेंगे क्या 126, 11 इंटू 11, तो 11 इंटू 11 कितना होता है 121 होता है, तो 126 को गुणा करेंगे 121 से, तो इसका उत्तर आपके जो भी आएगा उसमें से हम 12,600 को घटाएंगे तो अपना उत्तर आ जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर आपके है 6। इसमें आपको एक थैले में से ये गेंदे दी गई हैं और एक गेंद निकालनी है, 4 लाल है और 2 पीली गेंद है, थैले के अंदर देखे बिना आपको एक गेंद निकालनी है, वो लाल गेंद होने की प्रायिकता ज्ञात करनी है। तो लाल गेंद कितनी है, कुल गेंद कितनी हो जाएगी, कुल गेंद हो जाएगी आपके 4 + 2 बराबर 6 हो जाएंगे, ये कुल परिणाम हो जाएंगे। इसमें से लाल कितनी है, इसमें से लाल है अपनी 4, तो अनुकूल परिणाम कितने हो जाएंगे लाल, तो क्या करेंगे इसमें हम, इसमें अनुकूल परिणाम लिखेंगे और कुल परिणाम लिखेंगे, तो कुल परिणाम तो जाएंगे 4 + 2 बराबर 6, इसमें गेंद के लाल होने की प्रायिकता ज्ञात करनी है, तो वो कितना हो जाएगा, लाल है इसमें 4 और कुल आपके 6, तो उत्तर आएगा आपके 2/3। इसके पीली होने की प्रायिकता ज्ञात करनी है, तो पीली होने की प्रायिकता कितनी हो जाएगी, पीली ये पीली कितनी गेंदें 2 हैं और कुल कितने 6 हैं, तो कितनी हो जाएगी 1/3 हो जाएगा। अब क्या लाल गेंद होने की प्रायिकता पीली गेंद से कम है, तो ये पीली गेंद प्राप्त करने की प्रायिकता से ज़्यादा है, ठीक है, 2/3 1/3 से ज़्यादा है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन आपका है, क्वेश्चन नंबर है इसके अथवा में आपके 360 व्यक्तियों के समूह 3 ऋतुओं में अपनी मनपसंद ऋतु के लिए मतदान करने के लिए कहा गया है, संलग्न इन प्राप्त आंकड़ों को संलग्न चित्र में दर्शाया गया है। तो एक तो इनको आपको पाई चार्ट बनाना है, पाई चार्ट बनाने के लिए आपको इनका जो केंद्रीय कोण ज्ञात करना पड़ेगा, ठीक है, इनका ग्रीष्म ऋतु का कोण कितना है, वर्षा ऋतु का कितना, शीत ऋतु का कितना, ये आपको कोण ज्ञात करना पड़ेगा। उसके लिए क्या करना पड़ेगा, इन सब की आपको जोड़ करनी पड़ेगी, तो जोड़ करेंगे तो ये हो जाएगा 0, 9 2 11 और 5 कितने होंगे 16, हसल का 1 2 और 1 3, इनकी जोड़ हो रही 360, मतलब ये इनका कोण ही दे रखा, जैसे इस एक प्रकार से यूँ समझ लो, ठीक है, इनका कोण 90 डिग्री, 120 डिग्री और 150 डिग्री आएगा। देखो ग्रीष्म ऋतु का कोण कितना आएगा, ग्रीष्म ऋतु का कोण आएगा, ग्रीष्म ऋतु का मान कितना है 90, ये कितने में से हैं 360 में से, और इसको कोण ज्ञात करने के लिए हम 360 से गुणा करेंगे, तो 360 से 360 कटेंगे, इसका उत्तर आ जाएगा आपके
90। तो इसमें आपकी जो ग्रीष्म ऋतु है उसका कोण कितना आएगा आपके 90 डिग्री आएगा। इसी प्रकार से वर्षा ऋतु का कोण 120 डिग्री आएगा और इसमें शीत ऋतु का कोण 150 डिग्री आएगा, वो आपको निकालना पड़ेगा इसमें। फिर किस ऋतु का कोण सबसे अधिक है, किस ऋतु को सबसे अधिक मत मिले, तो सबसे अधिक मत किसको मिले आपके, इस शीत ऋतु को सबसे ज़्यादा मत मिले। और प्रत्येक त्रिज्यखंड का कोण ज्ञात करना, तो ये कोण हो जाएगा 90 डिग्री, 120 डिग्री और 150 डिग्री। फिर इसमें आपको एक सूचना का पाई चार्ट बनाना है, तो एक वृत्त बनाना है और वृत्त बनाने के बाद में फिर आपको यहाँ पे एक केंद्र में लाइन खींचनी है। फिर यहाँ पर आपको एक तो 90 डिग्री का कोण बनाना है, ये 90 का कोण हो जाएगा जो किसका है, ये ग्रीष्म का है। फिर एक 120 डिग्री का कोण बना लेना है, ये 120 डिग्री का कोण हो जाएगा जो किसका है, वर्षा ऋतु का है। बचा हुआ कोण 150 डिग्री का हो जाएगा जो किसका है, शीत ऋतु का है, या आपके ग्रीष्म ऋतु का है और ये आपके वर्षा ऋतु का है। बस इसका चित्र बना के आपके ये नंबर आपके पूरे में से पूरे हो जाएंगे। अगला सवाल आपके ये है कि एक 11x4 मीटर माप वाले आयताकार कागज़ को बिना अतिव्यापन किए मोड़कर 4 सेमी ऊंचाई का एक बेलन बनाया जाता है, तो बेलन का आयतन ज्ञात करना है। तो जब हम इस देखो ये कागज़ है ठीक है, और इसकी जो चौड़ाई है लंबाई है वो कितनी है, वो है 11 सेंटीमीटर, और इसकी जो ऊँचाई है वो कितनी है, 4 सेंटीमीटर है। जब इसको हम गोल घुमाएंगे मोड़ेंगे तो ये जो भाग है वो आपके टोटल आपका 11 हो जाएगा, नीचे वाला जो भाग है वो 11 हो जाएगा। तो इसकी परिधि कितनी है, 11। तो पहले हम इसकी त्रिज्या ज्ञात करेंगे, तो इसके आधार की त्रिज्या कितनी हो जाएगी, आधार की परिधि हो जाएगी 11 ठीक है। तो वो हो जाएगा आपके 2πr बराबर 11, तो ये हो जाएगा 2×22/7×r बराबर में 11। आर बराबर आएगा 11×7 और बटे में आएगा 22, ये 11 के पार से 22 कटेंगे दो बार, तो आर का मान आ जाएगा आपके 7/4। जो भी आर का मान आया उसको हम यहाँ पे इसका जो आयतन का सूत्र है वो लिखेंगे। बेलन का आयतन क्या होता है, बेलन का आयतन होता है πr²h। पाई का मान कितना होता है, 22/7। आर का मान कितना है, 7/4 है, तो दो बार लिख लेंगे 7/4। और h का मान कितना है, h का मान इसमें 4, तो 1 4 से तो 1 4 कट जाएंगे, 1 7 से 1 7 कट जाएंगे, और 22 और 7 को गुणा करेंगे तो 154 और बटे में 4 आएंगे, और इसको 2 के पारे से काटेंगे तो ये 77/2 इसका आंसर आ जाएगा। अगला जो सवाल है वो आपका ये है कि एक समचतुर्भुज का क्षेत्रफल दे रखा है और इसमें आपको इसके एक विकर्ण की लंबाई दे रखी है, तो आपको इसके दूसरे विकर्ण की लंबाई ज्ञात करनी है। तो पहले आपको इसका समचतुर्भुज का जो क्षेत्रफल है उसका सूत्र याद होना चाहिए। इसका सूत्र होता है समचतुर्भुज का क्षेत्रफल, इसका सूत्र होता है एरिया बराबर 1/2 विकर्णों का गुणनफल a×b। ये एक ए विकर्ण होता है और ये वाला दूसरा विकर्ण होता है। इसमें ए विकर्ण की लंबाई दे रखी है और दूसरे विकर्ण की लंबाई हमें ज्ञात करनी है, और इसका एरिया दे रखा है 240। तो 240 बराबर 1/2 पहला विकर्ण कितना है, 16 सेंटीमीटर का, और दूसरा हमें ज्ञात करना है। तो 2 को और 16 को हटाएंगे हम यहाँ से, तो 240×2 और बटे में आ जाएगा आपका 16। इसको 2 के पार्ट से काटेंगे यह 8 बार कटेगा, और ये 8 के पार्ट से काटेंगे तो ये 30 बार कटेगा। तो दूसरा विकर्ण कितना आ जाएगा आपके, 30 सेंटीमीटर का आ जाएगा ये। अगला सवाल है आपका ये, इसमें आपको m का मान ज्ञात करना है। तो आधार समान होने पर भाग में घातें घट जाती हैं, तो ये हम इसमें सूत्र लगाएंगे, a की घात m भाजक a की घात n बराबर क्या होगा, a की घात m माइनस n हो जाएगा। तो घातों को हम यहाँ पे घटा लेंगे तो ये आएगा आपके m की a की यानी कि 5 की घात m माइनस, ये माइनस माइनस क्या हो जाएगा आपके, प्लस हो जाएंगे, प्लस के 3 बराबर 5 की घात 5 हो जाएगा। आधार समान है तो इनमें घातों की तुलना करेंगे, तो घातों की तुलना करेंगे तो m प्लस 3 के बराबर में कितना आएगा आपके, 5 आएगा। तो m बराबर हो जाएगा 5 - 3 बराबर कितना आएगा, m का मान 2 आ जाएगा। ऐसे इसका उत्तर आपको निकाल लेना है। अगला सवाल आपका ये है कि इसमें आपको सौर समीकरण का प्रयोग करते हुए इसका मान आपको ज्ञात करना है। तो यहाँ पर ए प्लस बी का होल स्क्वायर लगेगा, तो ये क्या हो जाएगा, इसका सूत्र होता है ए स्क्वायर प्लस 2ab और प्लस में बी स्क्वायर। यहाँ पे a का मान कितना है, 2xy है, और b का मान 5y है, तो इसकी जगह लिखेंगे 2xy का होल स्क्वायर प्लस 2×a का मान 2xy और इंटू में b का मान कितना है, 5y प्लस b का मान, इनकी b का स्क्वायर हो जाएगा 5y का होल स्क्वायर। तो 2 का स्क्वायर 4x²y² प्लस ये हो जाएंगे 2×2 4 और 4×5 20, तो 20xy² प्लस 5² 25 और y का स्क्वायर, ये इसका आंसर आ जाएगा। इसके अथवा में आपको दे रखा है सौर समीकरण का प्रयोग करते हुए इसमें आपको इसका प्रयोग करते हुए हल करना है।
ये हल करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, मान लिखना पड़ेगा x प्लस ए एक्स प्लस बी बराबर होता है एक्स स्क्वायर प्लस ए प्लस बी इंटू एक्स प्लस ए बी। तो इसमें x का तो मान हो जाएगा 4x, x बराबर कितना आएगा आपके 4x, a बराबर कितना है 5 और b बराबर कितना है 1 है। तो ये हो जाएगा x का स्क्वायर यानी कि 4x का स्क्वायर, ये हो जाएगा आपका 4x का होल स्क्वायर प्लस a प्लस b, तो ये हो जाएगा आपके 5 प्लस 1 इंटू एक्स, एक्स का मान कितना है वो है आपके 4x, तो ये आ जाएगा 4x प्लस ए बी यानी कि 5 इंटू 1। 4 का स्क्वायर कितना होता है 16, एक्स स्क्वायर और ये 5 और ये कितना हो जाएंगे 6 चौक 24x प्लस 5 एकम 5, ये इसका क्या हो जाएगा फाइनल आंसर होगा। अगला क्वेश्चन आपका ये है जिसमें आपको एक व्यंजक के गुणनखंड करने हैं। तो गुणनखंड करने के लिए इसमें आपको गुणनखंड करके भाग देना है। तो पहले एम स्क्वायर माइनस इसका भाग गुणनखंड करेंगे, एम स्क्वायर माइनस 14m प्लस 32 के गुणनखंड करेंगे। तो इसमें 32 के तो इसमें क्या करना है, हमें यहाँ पे गुणनखंड करने हैं। सबसे पहले इनके गुणनखंड करेंगे, तो गुणनखंड करेंगे तो सबसे पहले ये संख्या है उसको हम लिख लेते हैं। संख्या है हमारे पास में ये एम स्क्वायर माइनस 14m और प्लस में माइनस में है 32। अब 32 के टुकड़े करने जिनको जोड़ें घटाएं तो कितने आ जाए 14 आ जाएँ। तो ये कौन कौन सी संख्या हो जाएगी 32 में हो जाएंगे, 32 के टुकड़े करने तो भाग कर लेंगे, पहले इसका टुकड़े कर लेते हैं 32 में। देखो 32 के टुकड़े क्या क्या होंगे, 1 इंटू 32, 2 इंटू 16, तो ये 2 इंटू 16 ही हो जाएगा तभी तो 14 बचेंगे। तो यहाँ पे हम गुणा कर लेंगे इसको, तो ये आ जाएगा आपका एम स्क्वायर और प्लस में तो आएगा आपके 2m और माइनस में आएगा आपके 16m और माइनस में 32। यहाँ m कॉमन लेंगे तो m प्लस 2 बचेगा और यहाँ माइनस में 16 कॉमन लेंगे तो m प्लस 2 बचेगा। तो m प्लस 2 और यहाँ बचेगा आपका m माइनस 16। अब m माइनस 16 और m प्लस 2 में भाग देना है m प्लस 2 का, तो यहाँ पे m प्लस 2 का भाग दे देंगे। तो m प्लस 2 इसमें भाग से ये कट जाएंगे, m प्लस 2 से m प्लस 2 कट जाएंगे और बचेंगे हमारे m माइनस 16। तो इसका जो आंसर है वो m माइनस 16 इस प्रकार से आएगा। अगला जो क्वेश्चन है इसमें आपको क्या करना है, इसमें भी गुणनखंड ही करना है। तो गुणनखंड कर लेंगे हम, 3 को गुणा करेंगे 6 से तो 3 छंग हो जाएंगे 18। अब 18 के टुकड़े करने जिनको जोड़ें या घटाएं तो 9 आ जाएं। तो ये क्या क्या होंगे, 6 3 18, 6 और 3 9 हो जाएंगे। तो हम यहाँ पे लिखेंगे इसको एम स्क्वायर प्लस 9m और प्लस में 6, ये लिख लेंगे और यहाँ पे टुकड़ा करेंगे, यहाँ पे 3 है ना, 3m स्क्वायर, तो इसके 9 के टुकड़े हो जाएंगे 6 और 3, तो ये हो जाएगा 3m स्क्वायर प्लस 3m प्लस 6m और प्लस में 6। यहाँ से हम 3m कॉमन निकालेंगे तो यहाँ 3m कॉमन आ जाएगा तो यहाँ बचेगा आपका m प्लस 1। यहाँ से हम कॉमन निकालेंगे 6 तो यहाँ बचेगा आपका m प्लस 1। m प्लस 1 को एक बार लिखेंगे और यहाँ पे 3m और प्लस में 6 इसको हम बराबर में कोष्ठक में बंद कर देंगे और ये अपने आंसर हो जाएंगे। तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और अपना जो व्हाट्सअप ग्रुप है 8वीं क्लास का वो ज्वाइन जरूर कर लेना। और ये अपने व्हाट्सअप नंबर है 7568350069, इस पर भी आप हमें मैसेज कर सकते हैं। मिलते हैं आपको अगले वीडियो में, तब तक जय हिंद जय भारत।